गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज, प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का संदेश या उद्देश्य या कथ्य अपने शब्दों में लिखिए। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इस पर इसमें व्यंग क्या किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले आपके द्वारा प्रयास होना चाहिए, आपने कितना समझा है। बताएं आप लोग। क्या इसका उद्देश्य है, आपको जो समझ में आया है। चलिए पवन यादव। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का संदेश क्या है, क्या मैसेज मिलता है इस कविता को पढ़ने से। खुशी, संदीप कुमार, हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यस सर। सर इस काव्य से सर हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव संवेदनाओं के प्रति जागरूक किया है सर। किसी भी व्यक्ति जो किसी पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी पीड़ा को हम बार बार उससे पूछ कर कि आपकी उसकी पीड़ा के बारे में पूछ कर हम मानवता को शर्मिंदा करते सर। घबराइए नहीं, पहले सोच लीजिए, फिर वाक्य बना लीजिए, फिर बोलिए, कोई बात नहीं, आराम से। और कोई बताना चाह रहा हो, आप जो बताएंगे उसमें कुछ ना कुछ तथ्य आएंगे और वो सही होगा, ऐसा मान के बताएं। शुभ्रा पांडे बताएं। यस सर। क्या संदेश है इस पाठ से। हमें व्यापार करना चाहिए किंतु मानवीय संवेदनाओं से व्यापार नहीं करना चाहिए।
एक तो ये बात है, और इसी तरह से कुछ बताएं आप। दूरदर्शन पर व्यक्ति और व्यक्तित्व का उजागर होना चाहिए। व्यक्ति को दूरदर्शन पर ला करके उसके व्यक्तित्व को उजागर करना चाहिए, किंतु किसी के दुखों को सार्वजनिकरण करके उसे और दुखी नहीं बनाना चाहिए। एक ये भी संदेश है। और सोचिए, पूरे पाठ की ये कविताओं को पढ़ने के बाद जब आप सोचेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप ऐसा ना सोचें जो पुस्तक में प्रश्नोत्तरों में लिख दिया है वहीं तक सीमित है ये, उसके अतिरिक्त भी आप कुछ सोच सकते हैं सकारात्मक दिशा में। अगला एक प्रश्न है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसी दुर्बल को क्यों लाते हैं? दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसी दुर्बल को क्यों लाते हैं? पहले सोच लें, सोच के बोलें। दुर्बल व्यक्ति को क्यों लाते हैं? दुर्बल का मतलब असहाय। हाँ, जिसमें बल कम हो, और वो बल जो है शारीरिक बल भी हो सकता है, आर्थिक बल भी हो सकता है, यानी गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, शरीर से भी दीनहीन हो सकता है, सामाजिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। बोले, दुर्बल व्यक्ति को क्यों लाते हैं? देखिए, दुर्बल व्यक्ति को इसलिए लाते हैं कि उसकी दुर्बलता, उसकी दीनहीन स्थिति, उसके दुखों की गहराई को देख करके दर्शक के हृदय में करुणा जगे और उस पर व्यापार किया जा सके, अपनी इनकम बढ़ाई जा सके। क्योंकि कार्यक्रम को जितने अधिक से अधिक लोग देखते हैं, इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले लोगों को लाभ होता है। तो वो ये देखते हैं कि किस तरह के दृश्य से पब्लिक ज़्यादा प्रभावित होगी, लोक समुदाय ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, उस चीज को पकड़ करके व्यापार करना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कमजोर और दुर्बल दीनहीन स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को लेकर के आता है, ताकि करुणा जगाई जा सके और दर्शकों की संख्या बढ़ाई जा सके, अधिक से अधिक धन कमाई जा सके। ये बात आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, सोचें। अपाहिज से पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न बेहुदे हैं, क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि जो अपाहिज से प्रश्न पूछे गए हैं वो बेहुदे सवाल हैं, बेतुके सवाल हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? क्यों आपको ऐसा लगता है? लगता तो होगा ही। रोशनी, मिथिलेश। यस सर।
चलिए प्रयास करें सर, फर्स्ट डे आज। चलिए कोई बात नहीं, और दूसरा कोई? कोमल? यस सर। बताएंगी? सर मैं अभी तुरंत ज्वाइन की हूँ। चलिए कोई बात नहीं, और कोई प्रश्न? एक बार मैं पुनः पढ़ दे रहा हूँ कि अपाहिज से पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न बेहुदे हैं, बेतुके हैं, क्यों? सर अब जैसे, हाँ बोलिए। अपाहिज से पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न बेतुके बेहुदे इसलिए हैं क्योंकि किसी के कमजोरी पर, किसी के दुर्बलता पर प्रश्न करना और उसकी दुर्बलता पर बार बार आहत करके उसकी दुर्बलता के बारे में जानना, यह एक तरह से मानवता के दायरे से बाहर है। जैसे मानवता के दायरे से बाहर है, बहुत अच्छा। अब जैसे पूछा जा रहा है कि आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं, अब इसका क्या मतलब है? अपाहिज होने में उस व्यक्ति का क्या दोष है? फिर ये पूछा गया है कि अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। आप जरा सोचें, जो अपाहिज व्यक्ति होता है वो सामान्य सा जीवन बिता रहा होता है, हर समय उसके दिमाग में ये बात नहीं होती है कि वो अपाहिज है, परंतु जैसे ही पूछा जाता है कि अपाहिज होने पर तो आपको कष्ट होगा, तो पहले से वो दुखी नहीं था, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद वो दुखी हो जाता है। इसलिए ऐसे सवाल को बेतुके बेहुदे सवाल ही कहे जा सकते हैं कि सहज जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को बेवजह उसे दुख में डाल देना, यह मानवता के दायरे से बाहर है। सही बताया आपने। अपाहिज अपने दुख को छिपाने में अपना भला मानता है या दिखाने में? प्रश्न है, अपाहिज अपने दुख को छिपाने में भला मानता है या दिखाने में? वो अपने दुख को दिखाना चाहता है कि छिपाना चाहता है, क्या मानेगा, क्या मानता है? अपाहिज अपने दुख को छिपाना चाहता है, छिपाने में ही भला मानेगा, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति लोगों के बीच आना चाहता है, प्रशंसा का पात्र बनना चाहता है, दूरदर्शन पर भी आना चाहता है, लेकिन किसी अच्छाई को लेकर के आना चाहता है, कोई अच्छा गुण हो, कोई अच्छी शोहरत हो, तो वो लेकर के आना चाहता है जिससे कि वाहवाही मिले, प्रशंसा का वो पात्र बन सके। किंतु अब अपाहिज अपने अपाहिजपन को, अपने कमजोर हाथ पैरों को भला लोगों से क्यों दिखाना चाहेगा? ये कोई अच्छाई तो है नहीं। इसलिए अपाहिज अपने अपाहिजपन को लोगों के बीच दिखाना नहीं चाहेगा, वो छिपाना ही चाहेगा। यहीं पर एक और प्रश्न बन सकता है कि दूरदर्शन कर्मी की जगह यदि आप होते तो उस अपाहिजपन को दिखाने की बजाय आप क्या करते? प्रश्न दोहराऊं या समझ में आया? सर, हाँ बोले सर। हम पहला कार्य तो यह कर सकते हैं कि उस अपाहिज को मिलने वाली सुविधाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से मिलती हैं, उन पे हम प्रश्न उठा सकते हैं कि उनको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। यदि नहीं मिलती हैं तो हम सरकार पे बकायदा हम अपने टेलीविजन के माध्यम से सरकार पर प्रहार कर सकते हैं जिसकी वजह से उसको सुख सुविधाएं मिले जो उसको चाहिए। हाँ,
और सर उसके अपाहिजपन को कुछ की कमजोरी नहीं, उस जैसे उसको दिव्यांग नाम दे दिया गया उसको, मतलब अच्छा लगने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, हाँ, उस प्रकार तो उसका मनोबल मनोबल भी बढ़ाएंगे। हाँ ये अच्छा कदम है। देखिए एक और हो सकता है कि दूरदर्शन कर्मी के रूप में हम किसी अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन को उजागर करने की बजाय हम किसी ऐसे अपाहिज को लाएंगे जो अपाहिज होने के बाद भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। अपाहिज होने के बाद भी वो पढ़ाई लिखाई के बल पर अपने कामयाबी के मुकाम तक पहुंचा हो, यदि ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा तो ऐसे अपाहिज को लाएंगे, या फिर जिस अपाहिज को हमने लाया है उसी अपाहिज में कोई दूसरी अच्छाई हो उसके व्यक्तित्व में। जैसे गायन के क्षेत्र में यदि वो अच्छा है तो उसके गायन का परिचय कराएंगे और दर्शकों से परिचय कराते हुए उसे हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि वो कोई पेंटिंग का काम जानता हो तो उस पेंटिंग को हम दर्शकों के सामने दिखाएंगे और ये प्रोत्साहित करेंगे कि इनकी पेंटिंग अच्छी है, और इस बीच उसके अपाहिजपन पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। ये अपाहिज शब्द दर्शकों के बीच में आने ही नहीं देंगे, देखने वाला तो समझ ही जाएगा दृश्य से, जो भी चित्र इनके होंगे वो दृश्य देख करके वो जनता जो है ये बात को समझ जाएगी कि ये व्यक्ति दिव्यांग है या अपाहिज है, तो वो सोचेगी कि अपाहिज होने के बाद भी देखिए कितनी अच्छी ये पेंटिंग करते हैं, कितना अच्छा गा सकते हैं, या और भी कोई कला हो तो उससे परिचित कराएंगे। इससे क्या होगा कि वो मीडिया पर दिखना वो चाहेगा, इस बीच वो भूल जाएगा कि मैं अपाहिज हूँ, मैं अपाहिज होने की वजह से दिख रहा हूँ, ये बात उसके दिमाग में कतई नहीं आने देना चाहिए। मेरे तरफ से ऐसा प्रयास रहेगा, ये आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं। अपाहिज बार बार पूछे जाने पर भी अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बताता? अपाहिज बार बार पूछे जाने पर भी अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बताता? क्योंकि वह नहीं चाहता कि अपने दुर्बलता को दुनिया के सामने, या ये कह सकते हैं कि समाज के सामने उजागर नहीं करना चाहता। अपनी दुर्बलता वो इसलिए अपने अपाहिजपन को दुनिया के सामने लाना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसकी कमजोरी हो दुनिया उसे कमजोरी को देखकर हंसे। लाना नहीं चाहता है अपाहिजपन को दुनिया के सामने, नहीं लाना चाहता है, ये प्रश्न है। तो जल्दीबाजी में ऐसा नहीं बोलना है। अपाहिज बार बार पूछे जाने पर भी अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बताता? अपने दुख के बारे में वो नहीं बताता, दुख है लेकिन उस सर दुख वो को बता। ऐसा इसलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर वो ऐसा इसलिए नहीं बताना चाहता है दुनिया के सामने बार बार पूछे जाने पर भी क्योंकि उसका ये मानसिक, वो उसका मेंटेलिटी बन जाता है कि अगर मैं अपना दुख इन सबको बार बार बताऊंगा तो हो सके कि ये लोग मेरे दुख पर हंसे, मेरे दुख को समझे ना। हाँ ये भी है, वो हास प्रयास का माध्यम नहीं बनना चाहता दूरदर्शन कर्मियों के बीच या लोगों के बीच, वो हंसी मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता है, वो एक कविता आपने सुनी होगी रहीम कवि की, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, अपने पीड़ा को अपने मन में ही रखना चाहिए,
इसे सुन करके लोग अट्टहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, परिहास करेंगे और दुख दर्द कोई बांटेगा नहीं, ये बात कही गई है। तो इस प्रश्न के उत्तर में रहीम का यह दोहा आप उदाहरण के रूप में लिख सकेंगे, लिखा जा सकता है। इसी सिद्धांत का उपालन कर रहा है, नहीं चाहता कि लोगों के सामने मैं परिहास का पात्र बनूं, इसलिए अपने दुखों को वो बताना नहीं चाहता है। बार बार पूछे जाने पर भी वो मौन रहता है, चुप रहता है। आगे एक प्रश्न है, प्रश्नकर्ता बार बार अपाहिज को सोचने और बताने का आग्रह क्यों करता है? प्रश्नकर्ता बार बार अपाहिज को सोचने और बताने का आग्रह क्यों करता? जो मीडिया कर्मी हैं अपाहिज को कमरे में ले गए हैं, उसका बयान ले रहे हैं, कमरे के अंदर ले गए हैं और कैमरे के सामने उसको उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि आपका अपाहिज होना आपको दुख देता होगा, कितना दुख देता है? तो इन सारे प्रश्नों के बाद वो अपाहिज बोलता नहीं है, मौन रहता है। फिर भी मीडिया कर्मी जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो बार बार प्रश्न पूछते हैं, वो बार बार सोचने और बताने का आग्रह इसलिए करते हैं कि जब एक दुखी व्यक्ति अपने दुख का वृतांत स्वयं अपने मुख से करता है तो वो अधिक प्रभावशाली होगा और इसे देख करके दर्शकों में अधिक संवेदना जगेगी, करुणा का भाव आएगा, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और अधिक से अधिक पैसे कमाए जा सकेंगे, इसीलिए वो बार बार आग्रह करते हैं। आगे प्रश्न है, यह अवसर खो देंगे, सिंगल कामा में है, सिंगल कामा को क्या कहते हैं आप? सिंगल कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा क्या कहते हैं? सिंगल को कहेंगे इकहरा आवरण चिन्ह और डबल को कहेंगे दोहरा आवरण चिन्ह। देखिए यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कामा में इकहरा आवरण चिन्ह में लिखा हुआ है, यह अवसर खो देंगे में अवसर किसके लिए आया है? अवसर को भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में किया गया है। यह अवसर खो देंगे, अवसर किस लिए आया है? सर बहुत से मनुष्य, बहुत से व्यक्ति जो हैं वो कैमरा में आना चाहते हैं, टीवी पर आना चाहते हैं जिसे दुनिया देखे। इसके उपरांत इसी वजह से पत्रकार जो है, मीडिया कर्मी जो है वो कहता है कि बहुत से लोग जो हैं, उसकी मतलब सोच यह थी कि बहुत से लोग जो हैं वो टीवी पर आना चाहते हैं और आपको टीवी पर आने का मौका मिला है, आपको अपनी बात रखने का मौका मिला है, इस वजह से वह इस बात इस कथन में अवसर का उपयोग किया है। बहुत अच्छा, और भी कोई दूसरे विद्यार्थी बताना चाहते हैं अपने शब्दों में? बात यही है, और किसी के मन में यदि आया हो इस प्रश्न का उत्तर तो बोल सकेंगे। चलिए दर्शक अपाहिज को कैमरे पर
देखकर किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? दर्शक अपाहिज को कैमरे पर देखकर किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? अब यहाँ दर्शकों पर भी एक व्यंग किया गया है, दिखाने वाला तो इसलिए दिखा रहा है कि उसे अधिक से अधिक लाभ होगा, देखने वाले को भी तो अधिक से अधिक जिस प्रयोजन से वो बातें दिखाई जा रही हैं वो प्रयोजन पूरा होना चाहिए, क्योंकि जिस रस में व्यक्ति डूबता है उस रस की गहराई में जाना चाहता है। यदि करुण रस का प्रसंग वो देखता है तो करुणा के सागर में गोते लगाना चाहता है, हास्य रस का देख रहा हो तो हास्य के शीर्ष पर पहुंचना चाहता है वो। तो दर्शक इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं कि वो अपना दुख बताते बताते रो पड़े और मीडिया कर्मी जो है दूरदर्शन कर्मी उसका तो ये प्रयास है ही कि बताने वाला बताते बताते रो पड़े और इस रोने को देख करके दर्शक भी साथ में ही रो पड़े। इसी की प्रतीक्षा करते हैं। मीडिया वाले अपाहिज की फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर क्यों दिखाता है? जिस चीज पर ज्यादा फोकस करना होता है उसका चित्र बड़ा करके दिखाए। तो बड़ी आंखों को बड़ा करके क्यों दिखाना चाहता है? दर्द जो है सर, हाँ बोलिए सर, उसकी पीड़ा को, उसके कष्ट को, कि वह किस दौर से, वह किस एहसास से गुजर रहा है, उसका उसकी मानसिकता क्या है इस समय, या फिर वो क्योंकि हम जब सोचते हैं कोई चीज अपने मन में या विचारों में तो हमारे चेहरे और हमारी आंखों में पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तो जिसकी वजह से मीडिया कर्मी को पता है कि यदि अंदर से भी कुछ दुख की बातें सोच रहा हो तो इसकी आंखों के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। आंखों में हृदय और मस्तिष्क का रिफ्लेक्शन होता है एक तरह से। यस सर, हृदय में जो चल रहा है या फिर मस्तिष्क में जो चल रहा होता है वो आंखों में दिख जाता है। आप देखे होंगे कि थोड़ी सी यदि तबीयत खराब होती है तो उसका असर आपको आंखों पर दिख जाता है तुरंत। आपको बुखार हो या सिर में दर्द हो, जो भी कष्ट पीड़ा हो, तो वो आंखों से समझ में आ जाता है। आंखों से ही आदमी तरोताजा दिखने लगता है, समझ में आ जाता है ये व्यक्ति स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। तो इसी तरह से जब कोई गहरी पीड़ा हो, कोई गहरा दर्द हो, वो हार्दिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर हो, वो सीधे सीधे आंखों में दिख जाता है। और ऐसे में अपाहिज के अपाहिजपन के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है और पूछ करके उसके दर्द को जो कुरेदा गया है, तो कुरेदने के बाद वो दर्द अपने चरम सीमा पर है और उस चरम की छवि आंखों में दिख रही है, इसलिए इन आंखों को और बड़ा करके दिखा रहा है कि दर्शक को देखने में, उन आंखों को पढ़ने में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े और वो अधिक से अधिक प्रभावित हो सके संवेदनशील और हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, इसीलिए वो बड़ा करके। आप प्रश्नों को सुन करके समझ लीजिए और अपने शब्दों में आप लिखिएगा क्या चाहेंगे आप लोग। आपको लिखवाना पड़ेगा तो जैसे क्लास में लिखवाते थे वैसे यहाँ लिखवाया जा सकता है, या फिर बेहतर ये होगा आप आत्मनिर्भर बने, जैसा कहेंगे आप। सही लिख लेंगे सर। ठीक, अगला है वही मिलता जुलता प्रश्न है ये भी। मीडिया वाले दर्शक और अपाहिज दोनों को संग संग क्यों रुलाना चाहते हैं? मीडिया वाले दर्शक और अपाहिज दोनों को संग संग क्यों रुलाना चाहते हैं? सर
बोलिए। पहले सोच लीजिए, फिर वाक्य बना लीजिए, फिर बोलिए। सर मीडिया वाले दर्शक और अपाहिज को संग संग इसलिए रुलवाना चाहते हैं क्योंकि वो ऐसा करके दोनों के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से जीतना चाहते हैं और उन सबका मोटिव होता है ज्यादा पैसा कमाना और उससे उन सबकी न्यूज चैनल की रेटिंग भी होती है। हाँ ठीक। अगला है, बस थोड़ी ही कसर रह गई, ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, बस थोड़ी ही कसर रह गई, मैं किस चीज की कसर रह गई और क्यों? कसर मतलब कमी, बस थोड़ी ही कसर रह गई, ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा में है, मैं किस चीज की कसर रह गई और क्यों? अपाहिज का फूट फूट कर रोना। वो कविता को पढ़िएगा, उसमें ये बताया गया है कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, में कमी यही है कि वो दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ नहीं रो पाए। उसका यही प्रयास था कि दोनों एक साथ रोएं, दोनों एक साथ नहीं रो पाए, उसी को मानता है अपने कार्यक्रम की असफलता मानता है वो। दोनों रो पड़े तो सफल मानता है, इसमें व्यंग है, कितनी बड़ी मानवीय संवेदनहीनता का उदाहरण है कि लोगों को रुला रुला के पैसे कमाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग है। अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसका मतलब आप समझें, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। शीर्षक आप समझ रहे हैं, इस कविता का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, हाँ वो शीर्षक सटीक है, सार्थक है, वो अर्थ सहित है, सारगर्भित है, ये बात आपको प्रूफ करनी है तो किस आधार पर करेंगे? कैमरे में वो बंद है, पहले तो कमरे में बंद है, जबरदस्ती नहीं बंद किया गया है, आग्रह पूर्वक ही लाया गया है उसको, पहले कमरे में बंद है, उसके बाद कैमरे में बंद है। कमरा और कैमरा समझ रहे हैं ना, पहले किसी रूम में लाया गया, हाँ पहले किसी रूम में लाया गया होगा और रूम में लाने के बाद सामने कैमरा कर दिया गया होगा और फिर सामने कैमरा करके उस कैमरे में उसकी तस्वीरों को कैद कर लिया गया। बंद कमरे में कैमरे में इसकी तस्वीर को कैद कर लिया गया है और ये दृश्य पूरे समाज में दिखाया जा रहा है। इसकी बेबसी और लाचारी की जो तस्वीर है पूरी दुनिया देख रही है। अब तो वो कैमरे में बंद हो चुका है, अब वो चाहते हुए मना नहीं कर सकता, वो वीडियो वायरल होती रहेगी। यदि स्वयं अपने दृश्य को देख करके उसे गलानी होगी कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था, या फिर ऐसे दृश्य जो है नहीं फिल्माए जाने चाहिए थे, तो चाह करके भी सार्वजनिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्तर कई बार ऐसा होता है कि आप जो कुछ बोल रहे होते हैं आप स्वयं भी करके देख सकते हैं,
आप स्वयं बोलिए या कोई वीडियो बनाइए अपनी मर्जी से और उसे बार बार देखिए, देखिए उसमें की अच्छाइयाँ और कमियाँ आपको स्वयं समझ में आने लगेंगी। तो कोई ना कोई बात आपको खटकेगी, ये बात तो यहाँ हमें नहीं कहनी चाहिए थी या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो कैमरे में कैद हो चुका है, कैमरे में बंद है, अब वो जाएगा मीडिया के सामने। तो मीडिया के सामने आना सभी चाहते हैं, लेकिन सोच समझ के आना चाहिए और लाने वाले लोगों को भी सोच समझ करके ही लाना चाहिए, बुलाना चाहिए। हर चीज को पैसे के लिए नहीं सामने ला देना चाहिए, ये है। चलिए इसी तरह से और आप प्रयास करेंगे और एक और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। मतलब आप समझ लें कि करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, यानी देखने में तो लग रहा है कि ये करुण कविता है, करुणा को जगाया जा रहा है, लेकिन मुखौटा, मुखौटा मतलब मुख इसका करुणा का है, लेकिन उसके मूल में जो है वो क्रूरता है, निर्दयता है। निर्दयता क्या है? किसी के दुख को और बढ़ा देना, किसी के दुख को सरेआम बाजार में दिखा देना, मानव संवेदना, हाँ, वो संवेदनहीनता का प्रतीक है, वो क्रूरता है, निर्दयता है। इसमें तो दया आनी चाहिए लेकिन निर्दयता है, इसमें क्रूरता है। इसी चीज को इसमें बताया गया है कि इसका जो मुखौटा है, जो मोहरा इसका है, वो करुणा का है, लेकिन इसके, हाँ, लेकिन इसके मूल में जो बातें हैं उसमें क्रूरता छिपी हुई है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, इसे जरूर याद रखिएगा, पूरा पाठ तैयार रखिएगा। आपने सुना सर, आप प्रश्न एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए एनसीईआरटी की पुस्तक में कुछ गिने चुने प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न भी, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। तो केवल उसी से नहीं ना आएगा एग्जाम में, एग्जाम में चैप्टर से कहीं से भी पूछेगा, है तो इस पाठ का ही प्रश्न। और देखिए अभी जितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसके अतिरिक्त आप भी प्रश्न गढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं? आप भी पढ़ते पढ़ते और भी प्रश्न बना सकते हैं आप इसमें से, और बन जाएंगे। पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा तो वो कहीं से प्रश्न पूछें, प्रश्न घुमाने पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना चाहिए, पूरा जो संदेश है पाठ में वो समझ लीजिए, फिर प्रश्न वो चाहे छोटा पूछें या बड़ा पूछें, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।